हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोसेसर के बारे में बताऊंगा। ये जो प्रोसेसर है आपको बिना ग्राफिक्स कार्ड के 720p और 1080p गेमिंग इजीली करवा देता है। ये है Ryzen 3 Pro 4350G प्रोसेसर और इस प्रोसेसर के अंदर आपको इनबिल्ट GPU भी देखने मिलता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस प्रोसेसर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रोसेसर मैं आपको इस तरीके के ट्रे में क्यों दिखा रहा हूँ बार बार। ये जो प्रोसेसर है आपको इसी तरीके के ट्रे में मिलेगा आप मार्केट में जब इसे परचेस करने जाओगे, क्योंकि ये एक OEM CPU है। और ये जो प्री बिल्ड सिस्टम होते हैं जैसे कि HP, Dell, Lenovo, ऐसी काफ़ी सारी बड़ी ब्रांड है जो कि अपने प्री बिल्ड CPUs लॉन्च करती है मार्केट में, तो उनके अंदर आपको ये प्रोसेसर देखने मिलता था। वो उनके लिए स्पेसिफिक एक प्रो सीरीज़ का प्रोसेसर बनाई थी, इसमें 4650GB आया था जो कि Ryzen 5 6 कोर का प्रोसेसर था। इसमें आपको एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी मिलती है जिससे आपका जो डेटा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी के बारे में अगर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रीड कर सकते हैं आप। सिक्योरिटी कितना भी एक्स्ट्रा बना दी जाए, अगर आपकी गलती रहेगी, आप कोई पायरेटेड चीज़ यूज़ करते रहेंगे, काफ़ी सारे अननोन सॉफ्टवेयर को परमिशन देंगे, तो आपका डेटा कोई भी लेकर जा सकता है। लेकिन अगर आप खुद से ही सब गलत काम करोगे अपने सिस्टम में तो आपको कोई नहीं बचा सकता आपका डेटा लीक होने से, तो इस बात का ध्यान रखना। तो बात करते हैं इस प्रोसेसर के बारे में। ये जो प्रोसेसर है आपको 720p 1080p गेमिंग इजीली करवा देता है और वो भी बिना ग्राफिक्स कार्ड के, क्योंकि इसमें आपको ग्राफिक्स के भी कोर देखने मिलते हैं, 6 कोर इसमें ग्राफिक्स के कोर देखने मिलेंगे। और वैसे तो ये प्रोसेसर है, इसका CPU कोर की बात करें तो इसमें 4 कोर आपको दी गई है और 8 थ्रेड मिलती है आपको। तो इसकी जो कैश मेमोरी है आप पूरा रीड कर सकते हैं, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी अच्छी तरीके से स्पेसिफिकेशन दे दूंगा, हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, सब चीज़ मेंशन कर दूंगा ताकि आप हर एक चीज़ को पढ़ सको। और लिंक भी दे दूंगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं इसके बारे में, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मतलब कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं कि इस प्रोसेसर के अंदर आपको कैच कितनी मिलती है, टर्बो फ्रिक्वेंसी कितनी मिलती है, बेस क्लॉक कितनी मिलती है। वैसे ये सब बताने वाली बात नहीं है, सेम आपको लगभग Ryzen 3 3200G में जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलता था लगभग उतनी सेम ही है, लेकिन कुछ फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो प्रोसेसर है इसका डिजिट देखिए, मॉडल नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब 4000 सीरीज़ का ये प्रोसेसर है। तो 4000 सीरीज़ का जो प्रोसेसर था और उसमें एक प्रो सीरीज़ भी निकाला गया जिसमें हमें एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी मिलती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और अब हम बात करते हैं इस प्रोसेसर को आपको बाय कैसे करना है। अगर इसे बाय करने जाते हो आप मार्केट में तो इसी तरीके से आपको ट्रे में CPU मिलेगा, साथ में उसके यहाँ पर आपको एक स्टॉक कूलर भी देखने मिलेगा। ये जो स्टॉक कूलर है आपको Ryzen 3 3200G के साथ देखने मिलता था और सेम कूलर आपको इस प्रोसेसर के साथ मिलेगा, मतलब इसी तरीके के कॉम्बिनेशन में आपको ये मार्केट में देखने मिल जाएगा। और जब भी आप इसे बाय करेंगे एक बात का ध्यान रखना, ऑन पेपर मतलब प्रॉपर तरीके से जिस भी सेलर से आप परचेस कर रहे हैं उससे प्रॉपर तरीके से कंफर्म कर लेना कि इस पर वारंटी कितनी मिल रही है। आपको मैक्स 3 ईयर की वारंटी इस पर मिलनी चाहिए और उससे अगर कम देता है तो आप इस प्रोसेसर को बाय मत करो। और ये जो प्रोसेसर है ये मार्केट में आपको लगभग 13,000 रुपये तक देखने मिल जाएगा। हो सकता है आप अगर वीडियो थोड़ी दिन बाद देखोगे तो हो सकता है इसका प्राइस कम भी हो जाए और हो सकता है कि इसका प्राइस बढ़ भी जाए, क्योंकि आपको तो पता ही है अगर इस प्रोसेसर की भी डिमांड बढ़ने लग गई, धीरे धीरे काफ़ी सारे लोग बाय करने लग जाएंगे तो इसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। जिस चीज़ के पीछे लोग भागेंगे, अगर उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और उसका स्टॉक कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस ज़्यादा होने लग जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आप एक बजट सेगमेंट का PC बिल्ड करना चाहते हो, मतलब 25,000 का सिर्फ सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, तो उस सिस्टम में आप इस प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हैं और आप इसे सेपरेटली अब बाय कर सकते हैं, मार्केट में ये आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं बात करता हूँ ये जो प्रोसेसर है कौन कौन से मदरबोर्ड पर सपोर्ट होगा। तो आपको तो पता ही है AMD में काफ़ी सारे मदरबोर्ड आते हैं जैसे कि A320, B450 और B550, तो तीनों ही मदरबोर्ड पर ये प्रोसेसर चल जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि 4000 सीरीज के लिए उनका BIOS अपडेट होना चाहिए मदरबोर्ड पर। और ये जो प्रोसेसर है इसके ऊपर मैं एक PC बिल्ड भी ला रहा हूँ, उसमें हम सभी बजट सेगमेंट के कंपोनेंट का यूज़ करेंगे और एक बनाएंगे बजट सेगमेंट का PC, जिससे आप में से काफ़ी सारे लोग उस PC को बिल्ड कर सकते हो। और हमारा जो टारगेट रहेगा मैक्स 25K रहेगा, मतलब 25,000 रुपये में एक सिस्टम हम बनाएंगे जिसमें हम ये वाला प्रोसेसर यूज़ करेंगे।
और इस पे काफ़ी सारे गेम को भी टेस्ट करेंगे। आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो होती है सब में हम गेमिंग बेंचमार्क दिखाते हैं। काफ़ी सारे वीडियो में ऐसा भी हुआ था कि कस्टमर को थोड़ा अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहता है, मतलब पीसी बनने के बाद कस्टमर थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, तो उसकी वजह से घर पर लेके जाने की थोड़ी जल्दी होती है उन्हें, तो इस वजह से काफ़ी सारे गेम को हम टेस्ट नहीं कर पाते। तो ये जो प्रोसेसर था वैसे तो हमें रिव्यू के लिए मिला है, तो इसका हम अच्छे तरीके से टेस्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से गेम आप इस पर खेल सकते हो। इस प्रोसेसर के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आपको परफॉर्मेंस मिलती है, टेम्परेचर क्या रहते हैं सीपीयू के। तो ये प्रोसेसर अगर आपको बाय करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप अमेज़ॉन से भी बाय कर सकते हैं, अगर अमेज़ॉन पर अवेलेबल होगा तभी मैं आपको लिंक दूंगा। और ये जो प्रोसेसर है अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सनराइज़ कंप्यूटर से परचेस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अवेलेबल है अभी फ़िलहाल। अगर आपको पीसी बिल्ड करना है तो हमसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारी जो टीम है एम मशीन बिल्ड की वो भी आपके लिए एक अच्छा पीसी बिल्ड करेगी इस प्रोसेसर के साथ। अगर आपको करवाना है आप इसे राइजन 3 3200G के जगह पर यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और इस प्रोसेसर के बारे में आप उन्हें बता सकते हैं। ये जो प्रोसेसर है इस पर हम गेमिंग बेंचमार्क भी करेंगे और कुछ वीडियो रेंडरिंग भी टेस्ट करेंगे, तो उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, नेक्स्ट वीडियो वही आने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।